इसराइल हमास जंग के बीच कतर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। भारत सरकार इस सजा पर हैरान है और सभी जरूरी उपाय करने के बारे में सोच रहा है। ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसराइल हमास जंग में इसराइल का समर्थन करने पर कहीं कतर इस तरीके से भारत से बदला तो नहीं ले रहा? क्या कहीं इसराइल का साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतनी जल्दबाजी में तो यह फैसला नहीं लिया गया? बता दें, नौसेना के इन अधिकारियों को 1 साल से भी अधिक समय से हिरासत में रखा गया है। मामले में जितनी तेजी दिखाते हुए कतर की ओर से ये जो फैसला आया है वह काफी हैरान कर देने वाला है। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है ये पूरा मामला और नौसेना के पूर्व अधिकारियों कतर कैसे पहुंचे और कौन है वो अधिकारी। नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। दरअसल भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व अधिकारी कतर में एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे। नेवी के जिन 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है, इनके नाम है कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुणेंद्रु तिवारी, कमांडर संजय गुप्ता और सेलर राकेश। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी थी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा और अहम पदों पर रहे। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। बता दें, अगस्त 2022 से कतर के जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद हैं। कतर में भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद भी उनके खिलाफ क्या आरोप है ये बताया नहीं गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के जिन अधिकारियों पर कतर में मुकदमा चल रहा था उन पर इसराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। वही कतर की अदालत से जैसे ही 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने का फैसला आया, उसने सबको हैरान कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वह इस फैसले से बेहद हैरान है। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है भारत। वही कतर की अदालत से जैसे ही 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने का फैसला सामने आया तो उसने सबको हैरान कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वह इस फैसले से बेहद हैरान है। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर वे विचार कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब सबके मन में सवाल है कि क्या इसराइल का साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतनी जल्दबाजी में यह फैसला हुआ है। ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि कतर की ओर से काफी सख्त लहजे में इसराइल को गाजा पर हमला रोकने के लिए कहा गया है। कतर की ओर से कहा गया कि वह बिना रोक टोक लोगों को मारने की इजाजत नहीं दे सकता। कतर के शासक की ओर से कहा गया कि गाजा में बहुत खून खराबा हो चुका है और इसराइल को इस तरह कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के जिस प्रकार सजा सुनाई गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसराइल हमास जंग भी हो सकती है, क्योंकि इसराइल हमास की जंग में भारत ने इसराइल का समर्थन किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।